अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बेलगाम शहर में आप देख सकते हैं, हम गांधीनगर इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं। शहादत के बाबरी मस्जिद, जिसे पूरे मुल्क भारत की तारीख में इसे यौम सिया कहा जाता है, इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को फिरकापरस्तों की जानिब से शहीद किया गया था। लिहाजा 31 साल होने को आए, आज भी इस गम को मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। गांधीनगर में पूरा मुकम्मल बंद किया गया, गांधीनगर, अमन नगर, बेलगाम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ज़रूर है कि आज भी मुसलमानों के, दरअसल ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं था, क्योंकि जमहूरियत का एक तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि फिरका परस्तों ने, और बड़ा अजीब अलमिया कह सकते हैं, लोगों को बाइज्जत रिहा किया और उनका इसमें दखल ना होने की बात कही, तो आखिर बाबरी मस्जिद को शहीद किया किसने? बाबरी मस्जिद की शहादत को यौम सियाह के तौर पर बेलगाम शहर में मनाते हुए देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अधिवेशन होने के बावजूद भी गांधीनगर और अब आजाद नगर के इस रोड से होते हुए हम आगे जा रहे हैं, और बेलगाम शहर के अंदर खुसूसन मुस्लिम इलाकों का हम वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से आज भी 31 साल के बाद आज भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। आज ही के दिन 31 साल हो गए, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को फिरका परस्तों की जानिब से आस्था की बात कहते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जबकि VHP बजरंग दल ने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने यह वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मस्जिद को शहीद किया। और ताज्जुब तो ये बात है कि जिन्होंने भी शहीद किया था बाबरी मस्जिद को, अब तक वो सजा से दूर है, अदालती कार्रवाई से दूर है। कार्रवाई तो दूर की बात, उन्हें रिहा किया गया। तो ये तमाम चीज़ें इन पूरे 31 सालों में देखने को मिला। कई फसादात इसी बाबरी मस्जिद के मद्देनज़र हुए। इतना ज़रूर है कि आज भी मुसलमानों में बाबरी मस्जिद के उस गम को याद किया जाता है, बाबरी मस्जिद की शहादत को आज भी याद किया जाता है, भले अदालत ने फैसला सुना दिया हो। यकीनन अदालत का फैसला तो सभी ने तस्लीम तो कर लिया, लेकिन इत्मीनान नहीं। और जो 5 जजों की बेंच थी, रंजन गोगोई, जिन्हें अदालत का फैसला हिंदू पक्ष में देने के फैसला जो अदालत का दिया गया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ, तो उसके लिए उन्हें राज्यसभा मेंबर भी बनाया गया। तो कई सारे सवाल तो थे मार्कंडे काटजू और कई सारे जस्टिस जिन्होंने इस फैसले पर एतराजात भी किए। लिहाजा हम खड़े बाजार के करीब हैं, यहाँ भी सिग्नल पर, और आज पूरे बेलगाम में यौम शहादत बाबरी मस्जिद मनाया जा रहा है। हम सिग्नल से आगे बढ़ते हुए आपको बेलगाम शहर के उन मुख्तलिफ जगहों का आपको नज़ारा दिखाएंगे कि आज भी सीनों में मुसलमानों के बाबरी मस्जिद जिंदा है। भले उस ढांचे को गिरा दिया हो, लेकिन
उसकी यादों को कोई मिटा नहीं सकता। अब इसी महीने 2024 में जनवरी में रामलला मूर्ति प्रतिष्ठा से क्या प्रतिष्ठापना कहते हैं वो इजलास मुनक्कद किया जाने वाला है, जिसमें वज़ीर आज़म शिरकत फरमाएंगे और भाजपा की 3 रियासतों में जीत कहीं तो उनके हौसलों को और बुलंद कर रही है। आपने देखा होगा कि हवा महल राजस्थान के एक MLA जीत दर्ज करके 2 दिन भी नहीं हुए, लिहाजा मुसलमानों की दुकानों को बंद करने के लिए वो बाजारों में गए और वहाँ पर धमका कर दादागिरी करके यहाँ तक कि पुलिस इंतजामिया सामने थी उसके बावजूद भी मुसलमानों की दुकानों को बंद करने जुरत करने की कोशिश की और किया भी। लिहाजा खड़े बाजार में यहाँ पर शुरुआत में तो कहीं पर दुकानें बंद नजर नहीं आ रही, लेकिन हम जामिया मस्जिद सर्कल के पास जाते हैं दरबार गली यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों का एरिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ मुसलमानों की दुकानें जहां जहां पर हैं वहां पर बंद नजर आ रहा है। कुछ मुसलमानों ने दुकानों को बंद किया है, कुछ ने नहीं किया हुआ है। एक तरह से मुसलमानों के अंदर बेहिसी का आलम भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जहां पर अक्सरियत इलाके हैं वहां पर दुकानों को बंद किया गया है। यह खड़े बाजार जहां पर भीड़ काफी नजर तो आ रही है यहां पर December 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, आज 21 साल होने को, लेकिन उस जख्म से आज भी लहू रिस रहा है, उस लहू को उस दर्द को महसूस किया जा रहा है आज भी। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि दुकानों को बंद करने से क्या फायदा, गैरों का इसका फायदा होगा वगैरह, दुकान बंद करके क्या फायदा और नुकसान का नहीं है, ये जमीर जज्बात एहसास जब दूसरों के आस्था हो सकती है तो मुसलमानों की क्यों नहीं हो सकती। लिहाजा कभी कभार किसी जरिए से अपने जज्बात को जाहिर करना पड़ता है और दुकानों को बंद करके आज मुसलमान यही साबित करना चाहता है कि उसके दिल में आज भी बाबरी मस्जिद से हम जामिया मस्जिद के करीब आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें बंद है, पूरा जो है इसका जायजा ले सकते हैं जामिया मस्जिद। शहादत यौम बाबरी मस्जिद को बिलगाम में बड़ी संजीदगी से गम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि धीरे धीरे मुसलमानों में एक तरह की दीनी बेजारी जज्बा कहीं तो सर्द होते हुए देखा जा रहा है। बहरहाल 21 साल बाद आज भी बाबरी मस्जिद को याद किया जा रहा है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस कदर मुसलमानों के मौजूदा दौर में हालात खुसूसन मुल्क हिंद में देखने को मिल रहे हैं तो इतना ज़रूर है कि मुसलमानों में जो एग्रेसिवनेस था, जो जज्बात थे वो कहीं तो कम, लेकिन इसके बावजूद आज दुकानें बंद हैं। फोर्ट रोड की तरफ जाते हैं,
यकीनन बाबरी मस्जिद के साफ इंसाफ नहीं हुआ है, भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो। और ऐसा यह हमारा नहीं है, बल्कि कई साबित जस्टिसों ने भी इस बात पर एतराजात दर्ज किए कि जिस तरह से फैसला सुनाया गया, लेकिन आज भी उस दर्द को महसूस किया जा रहा है। हम अब जामा मस्जिद से होते हुए भिंडी बाजार या यम इकबाल बुक डिपो भी बंद है, लेकिन खड़े बाजार इस तरफ की दुकानें बंद है पूरी तरह से, लेकिन भिंडी बाजार तकरीबन तकरीबन दुकानों को यह देखने को मिल रहा है। शायद बाबरी मस्जिद का दम इन्हें ज्यादा नहीं है, देख सकते हैं। देखो ये मुसलमानों की दुकानें हैं कुछ, और ये तो यहाँ पर नीचे कुछ दुकानों को आधा बंद किया गया है। बलगाम शहर में कई मुस्लिम इलाके हैं, मुसलमानों की तादाद भी काफी है, और यहाँ पर शहर बलगाम में हर चीज का रद्द अमल देखने को मिलता है। लिहाजा 6 दिसंबर 1992 में जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, इक्कीस साल गुजर चुका है। कई फसादात 6 दिसंबर के मौके पर देखे हैं, कईयों का खून बहा है, कईयों ने कुर्बानियां दी है, लेकिन धीरे धीरे जिस कदर एक नौजवान नस्ल नशे के आदि होती जा रही है, गुमराह ही की दलदल में धंसती जा रही है, इनकी इन्हें तरबियत की जरूरत है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है, अब तेरे ख्वाब को कोई ताबीर ना देगा इकबाल, अब तेरे चाहने वाले तहत खाक से। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उम्मत का जज्बा सर्द होते जा रहा है। उम्मत का लहू जो कभी गर्व जो जोश मारा करता था, यहाँ पर दुकानें तकरीबन शुरू है और किसी पर ये दबाव नहीं है, बल्कि हमारे जज्बात को इजहार करने का एक तरह से तरीका है कि दुकानों को बंद करने से कितना फायदा नुकसान, ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आजकल लोग हर चीज को फायदा नुकसान में देखते हैं, लिहाजा उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं कि किस कदर मुसलमानों के साथ बर्ताव इस मुल्क में या पूरे आलमी सतह पर। जरूरत है मुत्तहिद होने की, एक होने की, एक होकर मिल्लत की फला बहबूदी के लिए फैसले लेने की। यहाँ पर रविवार पे यहाँ पर भी शुरू है फोटोड़, बाजार में हर रोज की तरह यहाँ सरगर्मियां देखी जा रही है। इक्कीस साल बाद बाबरी मस्जिद का दर्द कितना है, क्या महज रस्म है या वाकई आज भी उस दर्द को महसूस किया जा रहा है। वरना उमूमन हमने इससे पहले भी देखा है कि बाबरी मस्जिद शहादत के दिन ब्लैक डे काला दिन तो मनाया जाता है, लेकिन उसकी छुट्टी बनाकर बजाय उस दर्द को अपने सीने में महफूज करते पार्टियां या फिर यहाँ पर दुकानों को बंद किया गया। ये फोर्ट रोड पर पहुंचे हुए हैं, फोर्ट रोड मस्जिद, यहाँ दुकानों को बंद किया गया, और जो मुसलमान नहीं है उन्होंने तो शुरू किया हुआ है, उनको क्या उससे लेना देना, वो तो विजय दिवस मनाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ट रोड हमेशा की तरह, आपको कहीं पर भी हमने इतने साल से 6 दिसंबर का कवरेज किया है, लेकिन फोर्ट रोड को हमेशा हमने बंद देखा। तो वाकई फोर्ट रोड वालों का यह जज्बा कही है कि दुकान हर साल 6 दिसंबर को बंद रहे।
उधर से ले ऐसा। आज तमाम इस तरह के नजारे दिखाने का मकसद ही यही है कि कितना आज भी जज्बा है, क्या जज्बा है या सिर्फ रस्म है, दुकानों को बंद किया गया है या दुकानों को बंद करने के पीछे एक दर्द है जो 31 साल पहले गांव में मुस्लिम को मिला था कि बाबरी मस्जिद को कार से उखल के जरिए से शहीद किया गया था, और उसी दर्द को आज भी महसूस किया जा रहा है। दुकानों को बंद किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर फूड कोर्ट, फूड कोर्ट की अगर बात की जाए तो एक अरसे से हमने देखा यहाँ पर जज्बाती नौजवान, जज्बाती लोग, ले 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 कलगाम शहर का हसास इलाके के तौर पर फोटो को देखा जाता है। लिहाजा यहाँ पर एक अरसे दराज से हमने देखा है कि यहाँ पर दुकानों को 6 दिसंबर के वक्त बंद ही किया जाता है, ताला भी यहाँ बनाने की पुरानी हमने देखी है तस्वीर। पूरे 30 साल हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद जब से शहीद हुई तब से हमने देखा है। कलाई गार गली से होते हुए मारी गली फोटो खड़े बाजार होते हुए काकती बेस होते हुए चन्नुमा सर्कल तक का हम आपको दिखाएंगे। कलाई गार गली पूरी तरह से बंद, मोबाइल में मसरूफ मुस्लिम नौजवान, क्योंकि अभी बस यही काम बच गया। माली गली आजाद बिल्ली, कौमी मसले पर भी इख्तलाफ देखने को मिलता है। लोग अपना ज्ञान बांटते रहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और यही छोटी छोटी बातें फिर बड़े वारदात के बड़ी वारदातों के साथ समझौता करने के लिए जरिया बन जाता, और एहसास जज्बात गैरत यूं ही धीरे धीरे खत्म होती। आज अगर मिल्लत का बड़ा तबका बेहिस हुआ है तो उसकी वजह यही है कि मुसलमानों को एक साजिश के तहत उनका एहसास, उनके जज्बात, इनके अंदर एहसास या कमतरी
कि तुम्हारे से कुछ नहीं होने, तुम अकलियत हो, तुम माइनॉरिटी में। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिदों में जिस तरह से, क्योंकि हमें शिकायत रही बार बार कि मस्जिदें मुसलमानों के मरकज हैं, वो पार्लियामेंट है, वहाँ पर उस बहुत सारे मसाइल सुलझाए जा सकते हैं, नौजवानों में एक रूह को पैवस्त किया जा सकता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिदों में आज भी वजू वसूल के फराइज सिखाए जाते हैं। खैर, अभी भी वक्त नहीं गया, हालात किस कदर करवट ले रहे हैं सभी देख रहे हैं। चलो, छुट्टी के दिन भी कुछ लोग अपना कारोबार यहाँ पर देख सकते। यहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें बंद की है, तो अक्सर यहाँ पर सोमवार खुद मस्जिद के इहाते में भी जो दुकानों को शुरू किया गया, खैर उनकी अपनी मर्जी, क्योंकि उनके पास भी दलाइल होंगे। सिवाय कुछ मुस्लिम इलाकों के, बाकी दिगर जगहों पर तो दुकानों को शुरू है, बाजार चालू है, हर रोज की तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं लोग। और उसमें कुछ मुसलमानों की दुकानें जहाँ पर हिल्स पॉपुलेशन है वहाँ पर बंद है। कार्तिवेश का नज़ारा है, कार्तिवेश में भी आपको कुछ दुकानें बंद तो कुछ शुरू है। इकतीस साल बाद याद है बाबरी मस्जिद, होते हुए शन्नमा सर्कल पहुंचे हैं। इस तमाम रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ यही था कि इक्कीस साल बाद क्या वो दर्द, वो एहसास, वो जख्म हमारे अंदर आज भी मौजूद है, उस दर्द को हमने अपने सीनों में महफूज किया है, नहीं किया है, इसी का एक महज एक मुख्तसर जायजा कह लीजिए कि हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।